लोगों से ये अनुरोध रहता है कि आप जब भी टाइम निकालें तो आसपास वाला जो आपका नेचुरल जो एरिया है वहाँ जरूर जाएं। अगर आप राजा जी हैं तो यहाँ पर आपको टाइगर के दर्शन हो सकते हैं, आपको लेपर्ड दिखेगा, आपको हाथी दिखेगा, आपको जो बाकी कई तरह की कई सैकड़ों तरह की जो बर्ड्स स्पीसीज है वो दिखेंगी, कुछ इस तरह के पेड़ दिखेंगे जो आप शायद आपको कहीं और नहीं देख सकते। आप जानना चाहते हैं कि प्रकृति कैसे होती है अपनी पूरे ग्लो में, अपनी पूरी ग्लोरी में कैसे होती है, उसके लिए आपको राजा जी नहीं, आपको निकटवर्ती जो भी जो पैच है, वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एरिया जो है वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। वो आपको नेचर से कनेक्टेड रखता है, वो आपको दिखाता है एक तरह से कि क्या आप मिस कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में रह के और अपनी जो फास्ट पेस्ड लाइफ है उसमें रह के। तो इसीलिए मेरा तो लोगों से ये अनुरोध रहता है कि आप जब भी टाइम निकालें तो आसपास वाला जो आपका नेचुरल जो एरिया है वहाँ जरूर जाए। जो एरिया टाइगर रिजर्व टाइप के जो एरिया है या किसी भी एक स्पीसीज से जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरिया बनाए गए हैं वहाँ पर आप उन स्पीसीज़ को बहुत क्लोजली देख भी सकते हैं। अगर आप राजा जी हैं तो यहाँ पर आपको टाइगर के दर्शन हो सकते हैं, आपको लेपर्ड दिखेगा, आपको हाथी दिखेगा, आपको जो बाकी कई तरह की कई सैकड़ों तरह की जो बर्ड्स स्पीसीज है वो दिखेंगी, कुछ इस तरह के पेड़ दिखेंगे जो आप शायद आपको कहीं और नहीं देख सकते। हमारे यहाँ साल का जो वृक्ष है, साल की जो जंगल है वो बहुत अच्छे हैं, और वैसे जंगल आपको शायद इन जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनके बाहर बहुत कम जगह आपको देखने को मिले। और साल के जो एसोसिएट्स हैं, चाहे वो टर्मिनेलिया की कई स्पीसीज हो सकती हैं, वो सब यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं। फिर कुछ कुछ ऐसे हर जो कुछ ऐसी ग्रासेज हैं जो कि अब और जगह नहीं पाई जाती क्योंकि वो जो हैबिटाट उनका है वही ख़त्म हो गया। एक स्पीसीज़ होती है पूरी फ्लोरा की, ऑर्किड्स। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्किड्स हैं जो कि शायद आपको अब कहीं और नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ इसी एरिया में मिलेंगे। ये ऐसे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, राजा जी की बात करें, ऐसे आइलैंड जैसे बन चुके हैं, ऐसे द्वीप बन चुके हैं जहाँ पर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारा फ्लोरा या फौना है, वो प्रोटेक्टेड है, वो प्रिजर्व्ड है। और जो कि आप इससे कुछ कदम बाहर निकालें या कुछ मीटर्स बाहर जाएं तो आपको शायद वो सब नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका महत्व तो और बढ़ जाता है। जंगल मेरे लिए एक मेडिटेशन की तरह है। आप जंगल आते हैं, आप उसमें खो जाते हैं, आप कोई चीज़ जंगल में, अपनी अगर बात करूँ तो मैं जंगल में आप कोई चीज़ ढूंढ नहीं रहे होते, ठीक है, आप ये नहीं ढूंढ रहे होते अधिकतर टाइम कि कोई जानवर दिख जाए, कोई दिख जाए, आप बस जंगल में अपने को एक सार करने के लिए आते हैं। और मुझे लगता है कि उससे बड़ा मेडिटेशन, जब आपके कोई भी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं हैं, आप बस उसमें उस अनुभूति को महसूस करना चाहते हैं, तो ये पर्सनल लेवल पे अगर कहें तो इस तरह का एक फीलिंग आपके अंदर आती है कि मेडिटेशन है। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप और हम रोज मिल सकें।